आज बन रहा है कटूले की सब्जी, इसे करटूले कंटूले भी कहते हैं। आपके सिटी में इसे क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। ये एक जंगली सब्जी है, सिर्फ बारिश के मौसम में आती है, इसलिए इसे जरूर खाइए। बहुत ही टेस्टी भी बनती है, साथ ही हेल्दी भी होती है। इसे बनाने के पहले इसे नमक के पानी में आधे घंटे के लिए भिगा कर रखिएगा और बहुत अच्छे से वॉश कीजिएगा। इसमें कभी कभी बहुत सारा कचरा होता है, बाल भी होता है, निकाल लीजिएगा, धो लीजिएगा। धोने के बाद इसे थोड़ी देर फैला के रख दीजिए, ड्राई हो जाएगा। कट करते समय ऊपर वाला डंठल और नीचे से थोड़ा सा कट कर देना है। अब आप इसे राउंड में भी कट कर सकते हैं और लंबाई में भी कट कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे कट कर लीजिए। अगर कटूले इस तरह के बीज वाले निकल जाएं या फिर लाल कटूला निकल जाए, इसके बीज को निकाल कर यूज कर सकते हैं। बीज बहुत हार्ड होते हैं, इसलिए नहीं डालना है। ये कट होकर रेडी है और एक बड़े साइज का प्याज इसे चॉप कर लेंगे। 2 चम्मच तेल गरम कर लेंगे। सबसे पहले इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। 6 से 7 लहसुन की कलियां कट करके डाल देंगे। ये वुड प्रेस ऑयल है, इसलिए इसमें बहुत सारा झाग आ रहा है। 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे। लहसुन का कच्चापन निकल जाए तब तक कुक कर लीजिए। हल्का सा कलर चेंज हो जाना चाहिए। 2 से 3 सूखी लाल मिर्च कट करके डाल देंगे। 1 बड़ा प्याज। प्याज को जलने नहीं देना है, तुरंत ही हमें इसमें सब्जी डालनी है, बस हल्का सा भूनना है। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा और मुझे ये बताइएगा आप लोग ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। तुरंत ही डाल देंगे कटे हुए कटूले। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। फ्लेम को लो रखना है, लो फ्लेम पर ही कुक करना है। थोड़ी देर भून लेंगे, लो फ्लेम पर ढककर 3 से 4 मिनट कुक करना है। बीच बीच में ओपन करके चलाते रहना है। इसे इस तरह से कट करके देखिए, ये कुक हो गया है बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा 5 से 6 मिनट लगते हैं। एकदम सॉफ्ट हो गया है। एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा मैं यहाँ पर आमचूर पाउडर यूज कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें टमाटर नहीं डाला है। टमाटर के बदले ये आमचूर में ही ज्यादा अच्छा बनता है। कास्ट आयरन की कढ़ाई हो या फिर आयरन की कढ़ाई हो, आप उसमें टमाटर और आमचूर पाउडर दोनों भी यूज कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है, सब्जी बन जाने के बाद तुरंत ही इसे कढ़ाई में से निकाल लेना है। जब तक ये गर्म रहती है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब 1 से 1.5 मिनट भून लेना है, इससे ज्यादा कुक नहीं करना है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। ये देखिए इसमें प्याज जले नहीं है, अगर प्याज जल जाए ना तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। कटूले की सब्जी बनकर तैयार है, चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। गैस की फ्लेम बंद कर दी है। एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाकर देखिए, 100% गारंटी है बच्चे भी इसे खाना शुरू कर देंगे। आप इसे आसानी से टिफिन में भी दे सकते हैं। मुझे तो ये कटूले की सब्जी इतनी पसंद है कि मैं इसे चम्मच से भी खा सकती हूँ। सिर्फ बनाने का तरीका मेरा होना चाहिए। वाओ, बहुत ही टेस्टी बनी है।